वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ई सुपर मार्केट शॉप सुपर के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था इस डिपार्टमेंटल स्टोर्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सुपर मार्केट के बारे में बात कर लेंगे। तो देखो क्या क्या दिया गया, पहले तो मीनिंग देख लेते हैं क्या दिया गया है मीनिंग। देखो, मार्केट इज अ लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन विच मेनली सेड सेल वाइड वैरायटीज ऑफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम ऑन द बेसिस ऑफ सेल सर्विस। तो जो सुपर मार्केट शॉप है वो ज्यादातर वैरायटीज ऑफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स ही सेल करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स सर्विसेज। ठीक है, देखो आगे क्या बात कर बोल रहा है कि सुपर मार्केट इज अ लार्ज रिटेल शॉप वेयर गुड्स आर किप्ट ऑन ओपन रैकेट। बायर्स हैव टू सेलेक्ट प्रोडक्ट, प्लेस देम इन अ ट्रॉली और बॉक्स, bring them near the gate where a clerk prepare the bill on the counter for the goods selected. The buyers pay the bill and takes delivery of goods. तो क्या बोला गया यहाँ पे, अलग अलग बातें कि सुपरमार्केट जो वो रिटेल शॉप है जहाँ पे गुड्स को ओपन रैकेट में रखा जाता है। ओपन रैकेट मतलब कि खुली हुए रैकेट में रखा जाता है। बायर जो है उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करे, प्लेस करे ट्रॉली और बॉक्सेस में और लेकर आए गेट के पास, जहां पे वहां का जो क्लर्क होगा वो बिल प्रिपेयर करेगा काउंटर पे और आपने जो सेलेक्ट किया था और आप जो है उस बिल को पे करोगे और अपने घर पे लेकर जाओगे, डिलीवरी कर लोगे। ठीक है, तो ये सब दिया है। देखो ये फोटो में जो है बताया गया है क्या क्या दिया गया है। तो देखो ये जो है सुपर मार्केट का एक नमूना है, एक फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि इसके अंदर देखो ओपन रैकेट्स में रखा हुआ है सब, है ना, यहाँ पे कुछ गुड्स रखे हुए, देखो सब ओपन रैकेट में रखा। और ओपन रैकेट्स में जो है, अगर आप ध्यान दोगे तो ओपन रैकेट्स में जो है यहाँ पे बात करते हैं इस, देखो अगला इमेज जो है, तो ये जैसे ओपन रैकेट में ये जो मुतरमा ले रही है, जैसे देख सकते हो ये जो चूज कर रही है, राइट ना, जितना भी चूज कर रही है वो उठा के अपने इस ट्रॉली में रख रही है। इसको बॉक्स कहते हैं, बास्केट कहते हैं, और ट्रॉली जो है वो व्हील से चलाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे सेल्फ सर्विस करना पड़ता है, जो भी लेते हैं यहाँ पे रखा जाता है, देन आफ्टर इसको धीरे धीरे जो है बिलिंग काउंटर के पास लेकर आते हैं। मतलब आपका शॉपिंग हो गया तो गेट के पास बिलिंग काउंटर में लेकर आएंगे और बिलिंग काउंटर में इसका जो है बिलिंग वगैरह होगा। जैसे ये पर्सन जो है ये क्या कर रही है, यहाँ पे इनका जो गुड्स है इसको बिलिंग कर रही है इस कंप्यूटर के द्वारा, और बिलिंग करके इसको जो रिसिप्ट देगा, बिल देंगे और ये क्या होगा पेमेंट करेगी, और पेमेंट करने के बाद डिलीवरी घर पे लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली कहलाता है सुपर मार्केट, याद रखना। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो देखो आगे की हम बात करते हैं इस डेफिनेशन के बारे में। अब डेफिनेशन में क्या दिया गया, देखो लार्ज स्टोर सेलिंग अ वाइड वैरायटीज ऑफ कंज्यूमर गुड पर्टिकुलर फूड एंड स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बताया क्या जा रहा है डेफिनेशंस में, कि ये वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स मतलब कंज्यूमर गुड्स तो सेल करता ही है। वाइड वैरायटी मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, और नॉर्मली पर्टिकुलर किसमें सेल करता है, फूड और स्मॉल आर्टिकल्स में, जो कि घर की जरूरतें ज्यादातर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश, आर सम एग्जाम्पल ऑफ सुपर मार्केट। ओके, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब है। अगर आपने गया, आप गए होंगे बिग बाजार में, डी मार्ट में या रिलायंस फ्रेश वगैरह शॉप में, तो आपने देखा होगा खुद ही वहां पे सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। अगला देखते हैं हम फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट, क्या दिया गया है फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट के अंदर। पहला दिया है लोकेशन। अब सुपरमार्केट ऐसे वैसे कहीं पे भी तो लग नहीं जाएगा, इसके लिए एक बेटर लोकेशन चाहिए जो कि सिटीज में ज्यादातर होता है। क्या बोलता है, सुपर मार्केट आर जनरली सिचुएटेड एट द सेंट्रल लोकेशंस ऑफ द सिटीज वेयर देयर इज पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि ऐसी जगह पे होता है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो और वो कॉन्सेंट्रेट करे वैसे चीजों के लिए। ज्यादातर ये सिचुएटेड होता है सेंट्रल लोकेशन में, सिटीज के सेंट्रल लोकेशन पे सिचुएटेड होता है। देखो आगे देखते क्या दिया, टाइप्स ऑफ गुड्स। अब टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या बोलता है कि इसके पास बहुत वैरायटीज ऑफ टाइप्स होते हैं। अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा, इन सुपरमार्केट गुड्स ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट्स आर सोल्ड। यानी कि डेली बेसिस पे जो यूज किया जाता है उसी को सेल किया जाता है इसके इसमें। देखो एग्जांपल के तौर पर फूड ग्रेन्स, फूड हो गया, ग्रेन्स हो गया, टाइनी फूड हो गया, बेकरी प्रोडक्ट, ग्रोसरी, स्टेशनरी, ये सब।
एट द टाइम गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल विद स्मॉल रिटेलर्स आर अवेलेबल इन सुपर मार्केट। तो वही बोला गया है कि जो चीजें अगर मतलब पहले तो ये प्रोडक्ट सेल करता है ना, ये जो भी दिया गया है इसको सेल तो करेगा, लेकिन ये भी बता रहे कि जो स्मॉल रिटेलर्स के पास नहीं होगा लेकिन इस सुपर मार्केट पास वो मिल जाएगा वो सारे गुड्स। अगला हम बात करते हैं सेल्फ सर्विस। अब इसमें जाना मतलब सेल्फ सर्विस, जैसे वहां पे एक लेडी थी फोटो के अंदर जो खुद ही गुड्स को उठाती थी और बास्केट में डालती थी, दैट इज नोन एज सेल्फ सर्विस। कोई सेलर नहीं होगा आपकी मदद करने के लिए। सुपरमार्केट ऑपरेट ऑन सेल्फ सर्विस स्टाइल, देयर आर नो सेल्समैन अराउंड इन द शॉप, द कस्टमर कैन सेलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। तो क्या बोला गया, यहाँ पे कस्टमर को ही देखना पड़ता है कि यहाँ पे कोई सेल्स मतलब सेल्स पर्सन नहीं होते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट है रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस मतलब ना ज्यादा ना कम, आपने देखा होगा कि इसमें ज्यादातर रिटेलर्स के मुकाबले थोड़े सस्ते होते हैं प्रोडक्ट। देखो एज सुपर मार्केट बाय गुड्स ऑन लार्ज स्केल, दे पास ऑन द बेनिफिट ऑफ देयर कस्टमर बाय सेलिंग द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। तो वही बोला गया कि सुपर मार्केट में जो होता है ये ज्यादातर जो है लार्ज स्केल में रखता है। लार्ज स्केल में रखने का मतलब है कि कस्टमर्स को थोड़ा बेनिफिट मिलता है ताकि उन रीजनेबल प्राइस में परचेस कर सके। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या दिया गया कैपिटल में। देखो सुपर मार्केट शॉप रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल। अब इसको ओपन करना है ये बिजनेस तो एक दो रुपए में तो होगा नहीं, एकदम लार्ज कैपिटल लगेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। देखो इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सच एज रिलायंस ग्रेट, टाटा ग्रुप, ग्राहक पे, ठीक है। तो ये ज्यादातर वैसे लोग स्टार्ट कर पाते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी इसके अंदर आ जाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी आ जाती है, जैसे एग्जांपल दिया रिलायंस फ्रेश है ना, रिलायंस कंपनी ने चालू किया है, टाटा ग्रुप यानी कि टाटा ग्रुप मतलब ये चालू किया टाटा वाले ने, ग्राहक पे ये जो है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट कैश बेसिस, कैश सेल्स। अब कैश सेल्स का मतलब होता है कि ये उधारी पे सेल नहीं करता है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता है, सिर्फ कैश में सेल करेगा। देखो गुड्स आर सोल्ड ओनली ऑन कैश बेसिस, नो क्रेडिट फैसिलिटी आर गिवन टू कस्टमर। सच स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस सच एज कैशबैक स्कीम, रॉयल्टी प्रोग्राम एक्सेट्रा, इंक्रीज कैश सेल्स। तो ये जो है कैश सेल्स में सेल करता है, उधारी आपको नहीं मिलेगा ये सभी चीजों में, नो क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। कैश सेल्स में ज्यादातर ये प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब कैश सेल्स का मतलब है कि ये क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकता है, क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकता है, लेकिन ऑन द स्पॉट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड को भी यूज कर सकता है लेकिन डेबिट कार्ड से भी इसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, या कैश को यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि कैश सेल्स का मतलब आपको जेब में पैसा लेके जाने पड़ेंगे, आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बंदिश है कि आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा चाहे कैसे भी आप ट्रांजेक्शन करो। अगला बात करते हैं हम अट्रैक्टिव पैकिंग। अब इसका पैकेजिंग जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, यानी कि लोग इसको देखकर ही पिघल जाते हैं, ऐसा पैकिंग करके देता है। देखो पैकेजिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन द सुपरमार्केट, गुड्स आर ड्यूली पैक्ड बाय गिविंग डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, प्राइस, कंटेंट। तो इसकी जो पैकेजिंग होती है वो कैसे की जाती है, तो देखो पैकेजिंग करने का भी अलग अलग स्टाइल्स होता है सुपरमार्केट में, तो इसका जो है पैकेजिंग कैसे किया जाता है, डिटेल्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, प्राइस, कंटेंट एक्सेट्रा, ये सबको ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग को किया जाता है। नेक्स्ट है इंपल्सिव बाइंग। अब इंपल्सिव बाइंग मतलब क्या होता है कि समझना, इंपल्सिव बाइंग का मतलब क्या होता है कि आप जब भी देखो घर से निकलते हो, मान के चलो आप में से कई लोग गए होंगे बिग बाजार या डीमार्ट वगैरह या अदर कोई सुपर मार्केट में, तो आप देखो घर से सोच के निकलते हो कि मुझे जो है पर्टिकुलर ये गुड्स लेना है ना, आप नंबर ऑफ गुड्स को सोच लेते हो, है ना, 3, 4, 5 मुझे जो है ये प्रोडक्ट है, समझ लो शैम्पू चाहिए, घर के लिए जो है कोकरीस वगैरह चाहिए, खाने पीने का बिस्किट वगैरह चाहिए, तो बहुत कुछ आप सोच के जाते हो ये लेना है। लेकिन एक बार अगर आप सुपर मार्केट में चले गए तो सुपर मार्केट में जाने के बाद आप ऐसी चीजें भी ले लेते हो जो आपने नहीं सोचा है, मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी ले लेते हो जो आपने नहीं सोचा, देखा अच्छा लगा अरे ये भी ले लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं अनवांटेड चीज जो आप ले रहे हो जो कि ना सोचे हो, इसी को बोलते हैं इंपल्सिव बाइंग। इसी को क्या बोलेंगे, इंपल्सिव बाइंग। देखो क्या बोला है, कस्टमर गेट इंट्रोड्यूस टू बाय अनवांटेड आइटम जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पैकिंग एंड सेल्स प्रमोशन स्कीम।
कस्टमर बिकम इम्पल्सिव बायर। तो वही बोला गया है कि ये अलग अलग शायद उसके ऊपर ऑफर ज्यादा है इसलिए आपने ले लिया, या फिर आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आपने ले लिया, या फिर उसकी पैकिंग ऐसी है कि मन कर गया कि मैं ले लूँ। ठीक है, तो ये सब के वजह से आप ज्यादातर क्या करते हो, परचेस कर लेते हो, और परचेस कर लिया तो हो गए आप इम्पल्सिव बायर। यहाँ पे जो दिया इम्पल्सिव बायर, ओके। तो ये सब इम्पोर्टेंट था इसके अंदर। तो सुपर मार्केट में जो है आपने जितना भी अभी देखा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है ज्यादातर जो है ना, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछा जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन जो दिया गया है अलग अलग, देखो इसमें काफी सारे पांच पॉइंट दिए, पांचों पॉइंट में जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम चेन स्टोर्स के बारे में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लेटेक केयर एंड धन्यवाद।